की जगह नहीं ले सकता मैं। इतना कंधों पर बोझ आ गया, समझ नहीं आ रहा कुछ। पग से पहले ही हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया है। सज्जाद को भी मौका मिलना चाहिए बिजनेस संभालने का, ये भी अच्छे से जानते हैं बिजनेस को। क्या बात? नहीं एक मिनट, ये क्या कोई खेल चल रहा है? बारियां लगी हुई हैं, अब इसकी बारी है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर हैं? फिर किसको मिलेगा? फाखर, फाखर को मिलेगा। कमाल है, हद हो गई, कह बात करने का। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है इस घर में? देखना क्या है, क्या देखना है? कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन देखना पड़ेगा। कमाल हो गया, भाभी ने जिस तरह आपसे बात की है और छोटे से बच्चे को आपके सामने खड़ा कर दिया लाकर, हद हो गई है। कुछ तरीका है बात करने का? ये भी नहीं सोचा वो बच्चा है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? मुझे उसकी परवाह नहीं है कि वो, मुझे ये फिक्र है कि भाभी जो सोच रही है उससे मुझे कितना नुकसान पहुंचने वाला है। उनके लक्षण देखकर और उनके तो बातें देखकर लग रहा है बहुत कुछ उल्टा चल रहा है। अरे उन्होंने सबके सामने बता दिया है मुझे कि ये कारोबार फाखिर का है, हर काम सिखाने के बहाने से उसे दफ्तर भेजेंगी। हम तो जैसे मुंह तकने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, इतने सालों की मेहनत के बाद जी हुजूरी करनी पड़ेगी उसकी। क्या कह रहे हैं आप? भाभी भाई साहब की जगह फाखिर को बिठाना चाहती है? जी। अरे वो बच्चा है अभी, उसको क्या पता कारोबार क्या होता है, कैसे चलता है और वो कर भी कैसे सकता है। आप यही तो मुझे देखना है कि वो कैसे करेगा कारोबार। आप बात करें ना उससे, दामाद है वो हमारा, उसको हमारी सुननी चाहिए। कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का, भाभी अपनी उंगलियों पर चलाएंगी उसे। इतनी चालाक, इतनी होशियारी, कहाँ छुपा कर रखी थी उन्होंने इतने सालों से? कल के बच्चे को जब जमाए कारोबार पर बिठाएंगी और यहाँ तक नहीं सोचा अभी कि आप बड़े हैं इस घर के भाई साहब के बाद, आपका हक है कारोबार पर सबसे पहले। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कल के बच्चे को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भाई साहब का बेटा है, जैसे कोई गद्दी नशीन हो। नहीं हबीब, हबीब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं चुप बैठेंगे, प्लीज कुछ करें, कुछ करना पड़ेगा आपको। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करता हूं। अमित ने गुस्से में पता नहीं अब क्या होगा। जब से बड़े आपको गए घर का माहौल इतना अजीब सा हो गया, सब एक दूसरे के लिए कह रहे हो बार। मुझे लगता है कुछ ठीक ही नहीं हुआ। पहले बड़े अब्बा थे तो सब संभाल लेते थे, लेकिन अब कौन संभालेगा? सब बदल गए भाई साहब, सबके दिलों में दूरियां आ गई हैं। फाखर कैसा है? काफी डिस्टर्ब्ड है वो। उससे बात करो, उससे पूछो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने बात करने की कोशिश की थी उससे, लेकिन वो सही से बता नहीं रहा। मुझे लग रहा है वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फाखिर मुझसे कुछ छुपा रहा है। एनी क्या पता उसे बड़ी अम्मा ने मना किया हो, तो पता है वैसे ही घर में इतने झगड़े चल रहे हैं, और फिर अम्मा तो कह रही थी कि बड़ी अम्मा अच्छा नहीं कर रही हम सबके साथ, कहीं कुछ टाइम बाद तुम्हारे साथ भी टिपिकल सास वाला सलूक ना करना शुरू कर दिया। जहीर भाई के जाते ही गजबर लंबी जबान निकल आई है समीना भाभी की। दिखा नहीं कैसे खड़े खड़े सबके सामने किस फैसले सुना रही थी अपने। भाई साहब के होते हुए तो बिल्कुल गूंगो की तरह जुबान गुत्ते में चिपकी रहती थी हर वक्त, और अब तो ऐसे जैसे इस जुबान को कोई लगाम देने वाला ही नहीं है। हमें तो लगता है वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब जहीर भाई इस दुनिया से जाए और वो हम सब पे हुक्म चला सके।
तो उन्हें क्या लगता है कि वो इस तरह हम सब पे हुक्म चलाती रहेंगी और हम सुनते रहेंगे? बस कर दो तुम लोग, बस कर दो। कितना जहर उगलोगे अपने मुंह से, उसे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा तुम लोग क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं अम्मा? हम तो यहाँ खामोश बैठ के सिर्फ सुन ही रहे हैं अम्मा। बड़े सुनने वाले तुम लोग एक दूसरे की, कोई एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हो जैसे कोई दुश्मन भी क्या लड़ता होगा। अरे अगर तुम ही लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करोगे, एहसास नहीं करोगे, तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ना। अब भी समझ जाओ तुम, मैं बता रही हूँ, होश के नाखून लो। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस मसले को हल करो, और अगर इसी तरह से लड़ते रहे ना आपस में, तो ये बहुएं जो है सर पे चढ़ जाएंगी हमारे सर पे। ख्याल ही नहीं किसी चीज का, लड़ते रहो। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जो कि रिड्यूसेबल हैं फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। शायद तुम्हें याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है एमन जी? आपका ध्यान कहाँ है? आप पे नहीं, बुक पे। इसको सॉल्व करो। मुझे समझ नहीं आ रही है। समझ कैसे आएगा, तुम्हारा फोकस ही नहीं है इसके ऊपर। फोकस करोगे तो कुछ समझ आएगा ना। इस तरह तो तुम अपने पेरेंट्स के पैसे ही जाया कर रही हो सिर्फ। मैं 10,000 रुपये लूँगा और मैं एक हफ्ते में 4 दिन पढ़ाने के लिए आऊँगा। अपने पेरेंट्स से बात कर लेना और फिर मुझे बता देना। मैं मम्मा और बाबा को बता दूँगी, और मैं आपसे ही पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू फोकस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9x² - y² + z² + 6xz। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल, हमने क्या देखने आए हो फाखिर? मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ कि नहीं ले जा रहा हूँ? नहीं, दरअसल मैं भी कहीं जा रहा था। जा रहे थे? मुझे देख के इरादा बना लिया तुमने अपने? नहीं नहीं, सच में जा रहा था, मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको चाहिए ये गाड़ी? अगर आप नहीं जा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं ले जाता हूँ। आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको दे दिया करूँगा गाड़ी। भाई साहब की गाड़ी के लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, इतने बड़े हो गए हो तो। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ, अगर आपको गाड़ी चाहिए होगी तो मैं ले आऊँगा फ़ौरन। तुम्हारा क्या मतलब था, मैं सब अच्छे से समझता हूँ, और अगर इतने ही बड़े हो गए तो कल से ऑफिस आ जाना। ऑफिस कल? कल से? हाँ, आप सब तुम्हें ही संभालना है ना, तो कल सुबह आ जाना ऑफिस। ठीक? अरे चाची, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा था। नहीं नहीं, आप रखिए, आप रखिए। क्या बना रही हूँ? मकारे बैंगन। फाखिर को पसंद नहीं है। और भी लोग हैं इस घर में, या किचन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा आप और फाखिर बताएंगे? कैसे बात कर रही हो आयशा? ऐसी बात करती हूँ, करना है तो करें, नहीं करना मर्सी। हुआ क्या है तुम्हें? हुआ क्या है मुझे भाभी? हुआ क्या है मुझे भाभी? आपको क्या हुआ है? आप क्यों बदल गई हैं? पूरे घर को घुमा दिया है आपने। ऐसा क्या किया है मैंने? शायद इस घर में मेरी आवाज सुनने की किसी को आदत नहीं है, और ना कोई अजीब बात नहीं कही मैंने। अजीब बात तो नहीं की आपने? हमेशा हमेशा मुझसे वादा नहीं, हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रही। मेरे शोहर को नीचे गिरा दिया और उसे मेरी सौकन को आपने गले लगा लिया। अभी मेरे शौहर का जनाजा उठा था आयशा, मुझे होश खा था, कौन ताजियत के लिए आ रहा है, कौन गले लग रहा है, कौन?
और तुम तो जहीर का फैसला जानती हो ना क्या था, बहुत साफ था राहीला के बारे में। और बताओ मुझे, वो मौका था कोई ऐसी वैसी बात करने का? जहीर का फैसला आप जब जानती थी तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? मेरी सौगंद भाभी, मेरी सौगंद थी वो। हाँ, मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता, मैं कोई काम नहीं आपसे कर सकती, मैं नहीं बोल सकती, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी जिंदगी उजड़ी है आयशा, मैं नहीं बदली, मेरी हैसियत बदल गई है। अपने शोहर के बाद मेरी कोई औकात नहीं रही, मैं अच्छे से जाऊँ। फाखर मेरा बेटा है और तुम्हारा दामाद, अक्ल से काम लो। क्या क्या देख रही है, काम करें। जी मैं हमजा, वो फाखिर से मिलना था। फाखिर घर पर नहीं है। कौन आया है फायजा? वो पप्पो। अरे बेटा आप तो वो हो ना? जी जिसने फाखिर को थाने से छुड़वाया था। जी मैं फाखिर से मिलने आया था, वो असल में अंकल की डेथ पे नहीं आ सका था ना मैं। कैसे मौके पे आए हो बेटा, जहीर भाई होते तो कितना खुश होते तुमसे मिलके। अच्छा आओ अंदर तो आओ। पप्पो फाखिर घर पर नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, समीना भाभी तो है, आओ बेटा आ जाओ। बस आंटी बहुत दुख हुआ उनकी डेथ का सुनकर। बस अल्लाह की मर्जी है, चलो आ जाओ, आओ दरवाजा बंद करो। इमन तुम कब आए? काफी टाइम हो गया। तो तुम मेरे कमरे में? मुझे देख के सबको कोई ना कोई काम याद आ जाता है। मैं देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो किचन का काम तो ज़रूरी है ना। मैं किचन के काम करने नहीं आई हूँ, कभी कोई मेरा हाल चाल भी पूछ ले। इस वक्त तो किसी को भी होश नहीं है, और तुम तो घर वाली हो ना? ऐसा लगता तो नहीं है। अम्मी कहाँ रह गई है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ट्यूशन? तुमने ट्यूशन लगवा लिया? तुम मुझे कहती मैं तुम्हारी हेल्प कर देती ना। नो थैंक्स। है नू? हाँ हाँ जाओ, होगी तुम लोगों की फैमिली की कोई प्राइवेट बात। लोएनी भी आ गई। कहाँ है फाखिर? पता नहीं पप्पू। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, कितनी दफा कहा है कि शोहर पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जी पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं समीना भाभी को देखकर आती हूँ, चाय पियोगे? जी चलो मैं भिजवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फाखिर से ताज़ियत करने के लिए आया था सर। हाँ तो फोन पे कर लेते ना, तुम्हें यहाँ आना जरूरी था। हमसे तुम्हें पता है कि अगर इस घर में किसी ने भी मेरे ऊपर उंगली उठाई या कुछ बोला तो अजाब आ जाएगा। तुम बाकी सब मिलकर मेरी जिंदगी के साथ खेल खेल रहे हो। एनी आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान करने नहीं आया था।
मैं सिर्फ ताजियत करने आया था, तुम समझो मेरी बात को। एमन जी नानी। बेटा कितनी देर से हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे पास आते ही नहीं हो, हालांकि इतने दिन बाद आए हो। फिर भी तुम और फाखर दोनों की बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। जो दिल में आता है कह जाते हो, कर जाते हो। हमसा प्लीज यहाँ से चले जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अगर तुम्हें ये सही लगता है तो। लेकिन मैं सिर्फ ताजियत करने के लिए आया था एनी, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं यार। यही तो नानी आपके पास ही। अच्छा इधर उधर क्यों देख रही हो? आप कमरे में चले, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। चलो ठीक है, हमारा चाय का कप लेती आना। अच्छा बेटा आ रही हूँ। मार दिया लड़की ने मुझे। सॉरी खाला, मैंने देखा नहीं। देखोगी कैसे, सारा टाइम तो फोन पे ध्यान होता है। अब इतनी भी जोर की नहीं लगी है। चुप करो तुम, हमें लगी हम बताएंगे कितनी जोर से लगी है। पप्पो एनी मेरा बच्चा आ गई आपकी एनी, अब संभाले वही। जाओ फोन पे लगी रहो। पप्पो लगी, अरे मेरी कमर गई। ओ अल्लाह। आपको पता है मेरे दिल से हर डर और शक ना दूर हो चुका है। जमशेद मेरी हर बात का बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हर ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरी। अल्लाह का शुक्र है। पता है मैं भी बहुत घबराहट में थी कि मेरी वजह से कहीं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आए ना। हाँ आपको पता है उन्होंने अपने घर में मेरे मामले में हर किसी को सीधा करके रखा हुआ है, कोई मेरे खिलाफ बात नहीं कर सकता कोई। वाह भाई, काश हबीब भी इस राह पे चलने लगे तो मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाएगा। पापी क्या हुआ है? आपने तो पूरी यकीन से कहा था कि हबीब भाई आपको ले जाएंगे, और अब तो उनके भाई को मरे हुए भी कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं आए वो आपको लेने। वक्त लगता है आलिया, ऐसे कामों में इतने आसान नहीं होते। और पता नहीं क्यों ना मुझे अंदर से यकीन है इस बात का कि हबीब खुद सीना तान के मुझे उस घर में लेके जाएंगे, तुम देखना। अभी ये बात आप मुझे बहुत टाइम से कह रही हैं, लेकिन अभी तक वो आए आपको लेने? नहीं ना, मैं तो कहती हूँ आप ही, अब आपको ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। वक्त बहुत जालिम चीज़ है आलिया, कल मेरे खिलाफ था, आज उस आयशा को मान देगा। मेरे सबर आएगा नहीं जाएगा, देखती जाओ बस। इंशाल्लाह। चाय पीनी है? ये भी कोई पूछने की बात है? पिलाती हूँ। सहनी मैं तो अभी भी हैरान हूँ, तारी फाखर और हमजा ने मेरे किस तरह का प्लान बना लिया। इसलिए तो जब मैंने उसे देखा मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं अब ये लोग। वैसे आया तो सिर्फ आज ताजियत के लिए था, लेकिन फिर भी फायसा इतना सब कुछ होने के बाद क्या उसे आना चाहिए था? बिल्कुल ही ना बेवकूफ़ है वो। पागल, मोहब्बत में बेवकूफियाँ हो जाती हैं। मतलब मैं सब ऐसे ही कह रही हूँ कि मोहब्बत तो करते हैं ना तुमसे। आराम से बोलो कि तुम यहाँ बैठ के इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में किसी भी वक्त किसी भी कोने से कोई ना कोई निकल आता है? और हमारे घर में ना वो कहावत सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुमने फाखर को बताया? अगर वो भाई साहब घर पे हो तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँ। मैंने उसे मैसेज ज़रूर कर दिया था, उसका आगे से की रिप्लाई क्या आता है? दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। वैसे नाइस तो है। वैसे फायजा इन लड़कों की भी जिंदगी कितनी आसान होती है ना। जब आप ना घर पे आई तो फाखिर ने उससे घंटों बातें की तन्हाई में बिल्कुल अकेले, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई सवाल उठा उन पे। जब हमजा यहाँ आया तो मेरी सांसें अटक गई थी, खौफ ज्यादा हो गई थी मैं। पता है क्यों फायजा? ये मुझे पता है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर सवाल उठाया ना तो मेरी पूरी जिंदगी एक सवालिया निशानी बन जाएगी। और ये लड़के, जो करना है करो, जो दिल में आना है वो करो, बिना कुछ सोचे समझे।
इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कुछ भी, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं. हाँ, आखिर कह रहा था कि हालात बहुत खराब हो गए ना, तो तुम अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखवा दो. और मुझे लगा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हाँ हालात तो खराब हो गए. अच्छा, मैं माँ बेटे के इरादों को खूब समझ रही. कुछ नहीं समझ आया तो मेरी बच्ची के जेवरात को हड़पने का सोचेंगे. क्या हो गया अम्मा, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है फाखर. बस ऐनी, तुम नहीं समझती इन बातों को. और ना आज से पहले क्यों नहीं ये बातें आई थी? चौबीस घंटे की आवारा गर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? प्लान क्या है तुम्हारा? कर लूंगा ऑफिस ज्वाइन, ताकि उम्र भर की मेहनत दबो दो. इतना पागल समझाए तुमने अपने बाप को, फिर से थमा देगा एक गैर जिम्मेदार बच्चे को? बहुत अच्छा किया तुम आ गए. इस ऑफिस में बहुत मिस कर रहे थे हम जहीर भाई को. यहीं बैठते थे और अब तुम बैठोगे. बैठो 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 बैठो. अरे बैठो बैठो बैठो. ये आज जहीर भाई होते तो तुम्हें यूं देखकर बहुत खुश होते यहां. चाचू आए, आप बैठे ना सर. अरे नहीं 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 नहीं, आप बैठे हैं आराम से, आपकी जगह है. ये कुर्सी हमेशा से तुम्हारी ही थी और अब सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है. ए? हाँ, अब सब कुछ फाखर को ही संभालना है. कि मैं फाइलें ले आया हूँ, ये फाइनेंस, ये लॉस और ये कर्जा. हाँ, क्या करना क्या है? ना तुम्हें ही संभालना है सब कुछ. आखिर कारोबार में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, बैंक से जो हमने कर्जा लिया है वो कैसे वापस करना है, और वो कारखाने में जो माल जल गया था उसकी भरपाई कैसे करनी है, कर्जदार लाइन लगा कर खड़े हुए, सब कुछ तुम्हें देखना है. ठीक है, पर चाचू करूँगा कैसे, मुझे आता थोड़ी है. कोई रास्ता ढूंढो, ढूंढो कोई रास्ता. क्या कर रहे हो अभी? बच्चा है अभी, इसको समझने में वक्त लगेगा. सही तरह से कारोबार में कदम जमाएगा, कुछ सीखेगा, समझेगा, तो इसे अपने साथ रखो, ये ज्यादा बेहतर है. इसे सिखाओ. मुझे खुद कुछ नहीं आता, मैं क्या सिखाऊंगा किसी को. मुझे खुद नहीं आता कुछ. आप दोनों हैं, आप दोनों देखें, को मुझसे ज्यादा पता है, तो देखें कैसे चलाना है. सर दर्द कर रहा है, मुझे चाय पीनी है. बोला था
नंबर क्या था? 1 2 1 1 2 1 2। मेरे लिए मत कहना मैं नाश्ता किया। एमन बेटा। जी पापा। आप अम्मी के साथ गई? नहीं, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। किताबें वहाँ ले जाती, शोक का घर है, आपको वहाँ होना चाहिए था। मेरे वहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उनकी चहेती ऐनी है ना वहाँ। ऐसे नहीं सोचते बेटा, सब आपसे प्यार करते हैं, और वैसे भी ऐसे वक्त में दूसरों का सोचना होता है। कजन से तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आपको नहीं पता पापा वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं। मेरी शक्ल देखते ही उन्हें 10 काम याद आ जाते हैं, जैसे मैं कोई काम वाली हूँ। आपको अपना समझते हैं इसीलिए। अरे वो भी तो आपका घर है। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है, वो मेरा घर नहीं है, वो मामू का घर था, और अब अल्लाह जाने किसका होगा। तुम्हें क्या हुआ? तो थके हुए क्यों लग रहे हो? बहुत खतरे में यार, बिजनेस इतना लॉस हो रहा है। फैक्ट्री में आदमी अपनी वजह से तो वैसे ही फैक्ट्री बंद हो गई, और फिर इतने लोगों से कर्जा लिया ना, हमारे पेट पीछे इतना सब कुछ हो रहा था, मैं कुछ पता ही नहीं था। तू टेंशन क्यों ले रहे हो फाकर? अब्बा है ना, मदद करेंगे तुम्हारी। चाचू कुछ नहीं संभालने, उल्टा बिला वजह नाराज होके बैठे हुए, सारी चीजें मुझ पे डाल दी। बस क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी चीजें तुम एक साथ अकेले हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो। हमारे घर के बड़े भी ना, क्या हो गया इन सबको? बात सिर्फ बड़ों की नहीं है, अगर ये खुदा ना खास्ता बिजनेस बंद हो गया तो हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। बेचारे फराज पप्पा तो वैसे ही कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे, लेकिन कर्जदार पे कर्जदार आ जा रहे, लिए जा रहे पैसे, मांगे जा रहे, क्या करें हम? इतना सब कुछ हो रहा था, भाबा ने एक दफा हमें कुछ नहीं बोली। साइको पप्पा की डिमांड्स, मेरी बिला वजह की सारी ख्वाहिशात वो बेचारे पूरी करते रहे, और कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया हमें। इतनी बस शिकायत ही करता रहा मैं उनसे, कभी कुछ नहीं बोले बेचारे। लेकिन मैं उनकी मेहनत डूबने नहीं दूंगा यार, कुछ भी हो जाए, बिजनेस बचाना है तो बचाना, कुछ भी हो जाए। तुम बस पैसे कहाँ से आएंगे, सारा ये मसला है। आखिर वो जो झूले मिले थे ना शादी पर, हम वो बेच देते हैं। क्या पागल वागल हो गए, झूली बेच देते हैं, मजीद नुकसान करवा लें अपना। और वो तुम्हारी झूली, ऐसे कैसे बेच दूंगा पागल? फाकर कोई बात नहीं ना, देखो इस फैमिली का पूरा फ्यूचर इस बिजनेस पर डिपेंडेंट है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम देख रहे हो जो हमारे घर के बड़े हैं वो आपस में लड़ने झगड़ने में इतने मसरूफ हैं, हम दोनों को कोई हल निकालना पड़ेगा, और ये हल है। लेकिन अभी फाकर प्लीज, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो ना, सारी जूली वापस बना के दोगे तो ठीक नहीं है यार, ये सारी बातें तुम फासिर इतना मत सोचो। जैसे तुमने कहा, बड़े अब्बा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, ये इतनी सी बात है, कर ही सकते ना उनके लिए। अम्मा के पास है सारी जुड़ी, बात करती हूँ मैं उनसे। तो हम तो पूरा हटाओ अपना यहाँ से, नींद आ रही मुझे, तो चल। शाबाश, ऑफिस से आया ना, हाथ मुंह तो धो लो। हाँ तो मुझे मेरे गंदी अच्छे लगते सही। और
कंधे में इतना मुझसे धो रहा हूँ, ऑफिस से आया हूँ यार। एग्जैक्टली, जाओ मुंह धो। होया नहीं आओ अम्मा, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। सब खैरियत? फाखिर ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं अम्मा, फाखिर क्यों मुझसे कुछ कहेगा? सब कुछ हो सकता है बेटा। समीना भाभी को तो मैं देख ही रही हूँ, बदलती जा रही हैं वो। फाखिर को कुछ भी कहकर करवा सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? बड़ी अम्मी ने आपका कितना साथ दिया है। सी बात नहीं है बेटे, ये दुनिया में हर चीज वक्ती होती है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। खैर तुम बताओ क्या कहने आई थी? वो अम्मा, मेरी ज्वेलरी कहाँ है? है? ज्वेलरी? ये तुम्हें अचानक ज्वेलरी का कहाँ से ख्याल है? फाखिर, फाखिर कह रहा था कि हालात बहुत खराब हो गए ना, तो तुम अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखवा दो। और मुझे लगा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हाँ हालात तो खराब हो गए। अच्छा, मैं माँ बेटे के इरादों को खूब समझ रही। कुछ नहीं समझ आया तो मेरी बच्ची के जेवरात को हड़पने का सोचेंगे? क्या हो गया अम्मा, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। फाखिर, बस है नहीं, तुम नहीं समझती इन बातों को। और ना आज से पहले क्यों नहीं ये बातें आई थी? आज से पहले क्यों नहीं जेवरात तुमको ख्याल आया था? और ये बातें जो है ना, ये बातें तुम नहीं समझोगी। और जेवरात कभी भी ससुराल में नहीं रखते। लेकिन अम्मा, आप मेरी बात भी तो समझे। अगर मैंने अपने जेवरात अम्मा के पास नहीं रखवाए होते ना, तुम्हारा बाप कब का जाके राहिला को दे चुका होता। बताइए तुम्हें। और सुनो, कह देना फाखिर से कि अम्मा ने जेवरात लॉकर में रखवा दिए। समझी? जी। के सब रखती है इसने। चाय? अरे इसे कैसे अंदर आ जाती हो तुम भाई? दस्तक तो कराना चाहिए ना। अरे वो जमशेद ने मुझे कहा कि आपको चाय दे दो, तो दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई इसलिए डायरेक्ट आप। हाँ ठीक है, तुम लाउंज में चाय लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, जाओ लाउंज में रख दो। किया ऐसे ही उठ के आ गई हूँ, खैरियत है ना सब? अरे आपकी बात ही कुछ ऐसी थी कि रहा ही नहीं गया मुझसे। मैंने कहा आके आपको बैठ के बताऊं तफसील से। क्या बात है, बोलो भी। अरे मैंने जमशेद की अम्मा के कमरे में गई थी, तो वहाँ पे मैंने अलमारी में देखा, इतने ज्यादा जेवर रखे हुए उन्होंने अपनी अलमारी में। उनके पास इतना जेवर? हाँ भाई, मुझे तो आज तक एक सोने की चेन तक ना दी उन्होंने। हो ना हो, ये जेवर आयशा और उसकी बेटियों का होगा, वरना इतना जेवर बताए घर में कौन रखता है? घर में रखा हुआ कोई अल्लाह ना करे कोई चोर वो आ जाए लूट के ले जाए, बेवकूफ़ी है उसकी अम्मा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ है।
ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। हाँ यार, मुझे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तुमने कुछ सोचा है इस बारे में कि क्या करना है? अब सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन वही ना यार, सारे रास्ते बंद हो गए हैं ऐसा लग रहा है। और किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ? कर्जा भी पता नहीं कैसे उतरेगा, और मुझे लग रहा है बाबा का बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फाखिर, आई रियली थिंक तुम्हें एक दफ़ा मेरे पापा से बात कर लेनी चाहिए। वो क्या करेंगे? वो तुम्हें हेल्प आउट कर सकते हैं, वो उनका बहुत एक्सपीरियंस है, ही कैन गाइड यू एंड ही इज आल्सो वेरी वेल कनेक्टेड। तो शायद वो अपने किसी दोस्त से तुम्हें कनेक्ट करवा दें। एक दफ़ा मैं बात कर लेती हूँ एंड देन आई लेट यू नो। थैंक यू यार, हमने तुम इतना मेहनत करती हो, मैं कॉल का वेट करूँगा। ठीक है, ओके, आई विल टॉक टू हिम एंड आई विल कॉल यू। ओके बाय। चाय पिए और परेशान ना हो ज्यादा। सालों की मेहनत, जिंदगी भर की वफादारी, ईमानदारी, खुलूस, इज्जत, उसका ये सिला दिया है मुझे। आई साहब के जाते ही सबने एक तरफ कर दिया है, कोई इज्जत ही नहीं करता वहां मेरी। भाभी को लगता है मैं भाई साहब का बिजनेस छीन लूंगा। वो भाई था मेरा, कोई गैर नहीं था कि मैं उसके हक पे डाका मार दूंगा। मैं आपसे पहले ही कहती थी, सब मतलब के, सब अपना मतलब निकाल रहे हैं बस। हाँ ठीक कह रही थी, तो सबने मिलकर मेरा फायदा उठाया है, और जब मेरा वक्त आया तो दूध में से मक्खी को जिस तरह निकाल के फेंकते हैं वैसे मुझे फेंकना चाहते हैं सारे। समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हर एक बात पता है ना आपको, है आपके साथ हर हाल में खड़ी, आपकी हिम्मत बनकर, चाहे जो हो जाए। अभी राहिला, मैंने बहुत नाइंसाफियां की हैं तुम्हारे साथ, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, मुझे तो बस आपका साथ ही मिल जाए ना, इसलिए वो ही बहुत है अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम मुझसे बहुत ज्यादा की हकदार हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे लिए अच्छा चाहा है। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देता। आपने सोचा मेरे बारे में ना, इसलिए यही बहुत है। अपने मसाइल हल करने अभी पहले से कहा था ना मैंने कि जब हक मांगने से नहीं मिलता ना तो छीनना पड़ता है। और ये समीना भाभी तो मुझे ऐसी बहुत चालाक टाइप लगती है, आयशा को यही भड़काती होंगी। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, बहुत सुन ली सबकी अभी, बस हो गया है। बादल
आदर्श।